हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंफर्म्ड अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जिनका 2021 में लॉन्च होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, इस टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स की लिस्ट में 3 250cc सेगमेंट की बाइक है और 2 350cc सेगमेंट की बाइक है। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली बाइक के बारे में। सबसे पहली बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की तरफ से रेट्रो क्रूजर सेगमेंट के अंदर हंटर 350 जल्दी ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, और टेस्टिंग के दौरान इस बाइक को काफी बार स्पोर्ट भी किया गया है। सो इस बाइक का लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है, और लॉन्च डेट के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है मिड ऑफ 2021। ये बाइक जून या फिर जुलाई के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है 1,70,000। इस बाइक के अंदर हमें मीटियोर 350 वाला 349cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 20.4 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क होगा 27 न्यूटन मीटर के आसपास विद 5-स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक भी डबल क्रेडल फ्रेम पे बेस्ड होगी, और इस बाइक के अंदर भी हमें कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होंगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। दोस्तों, ये बाइक ऑलमोस्ट मीटियोर 350 के जैसी ही होने वाली है। हंटर 350 और मीटियोर 350 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। इन दोनों बाइक्स में सबसे मेन डिफरेंस ये होगा कि मीटियोर 350 के अंदर 19 इंच का फ्रंट व्हील है, लेकिन हंटर 350 में हमें 17 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें राउंड शेप्ड हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर LED DRLs भी होंगे। हेलोजन टेल लाइट होगी, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस बाइक के अंदर मीटियोर 350 के जैसे ही काफी कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर मिड सेट फुट पैक्स देखने को मिलेंगे और सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बाइक के ओवरऑल लुक्स भी काफी अच्छी होने वाले हैं, क्योंकि जिन पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है उनको देख के ऐसा लगता है कि ये बाइक एक रोडस्टर लुक्स वाली मशीन होने वाली है। टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 100/90 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, 140/70 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस टायर्स होंगे। और दोस्तों, माइलेज के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें 35 km/L की माइलेज देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थी नंबर 1 पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जो जून या फिर जुलाई के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, और इस बाइक का एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है 1,70,000। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। दोस्तों, सेकंड बाइक है TVS ड्रैगन 250, या फिर इस बाइक का नाम TVS अपाचे RTR 250 4V भी हो सकता है। दोस्तों, TVS ड्रैगन एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, जिसको TVS ने काफी टाइम पहले ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। दोस्तों, पहले अपडेट्स ये आ रहे थे कि TVS ड्रैगन 310 लॉन्च करेगी, जिसके अंदर RR 310 वाला सेम इंजन होगा, लेकिन अभी रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि TVS ड्रैगन 250 लॉन्च होगी, जिसके अंदर 249cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 30 PS के आसपास, मैक्सिमम टॉर्क होगा 23 न्यूटन मीटर के आसपास विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर हमें RTR 200 4V के जैसे असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर और नवंबर 2021, और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है 1,60,000। दोस्तों, ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में 250cc सेगमेंट के अंदर डोमिनार 250, जिक्सर 250, यमहा FZ25 इन सभी बाइक्स के साथ कम्पीट करेगी, और ये बाइक TVS की तरफ से एक फ्लैगशिप मशीन होने वाली है, क्योंकि दोस्तों TVS के पास कोई भी 250cc सेगमेंट की बाइक नहीं है। इस बाइक के अंदर हमें काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाइक काफी हद तक TVS ड्रैगन कॉन्सेप्ट मॉडल के जैसी होने वाली है। और दोस्तों, बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फ्रंट में अग्रेसिव LED हेडलाइट होगी विद LED DRLs, LED टेल लाइट होगी, LED इंडिकेटर्स होंगे और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे। इस बाइक के अंदर हमें अपाचे RTR 200 4V के जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस बाइक के अंदर RTR 200 4V के जैसे राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर हमें सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलने वाले हैं, और दोस्तों, इस बाइक के अंदर हमें प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी देखने को मिल सकते हैं, और कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स भी देखने को मिल सकते हैं, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होंगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। सो दोस्तों, ये थी सेकंड नंबर पे TVS ड्रैगन 250, जिसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर और नवंबर 2021,
और एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 1,60,000। अब हम बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। दोस्तों थर्ड नंबर पे है यसडी स्क्रैम्बलर 350। दोस्तों रिसेंटली ही इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है और काफी हद तक इस बाइक की डिटेल्स रिवील हो चुकी हैं। दोस्तों यसडी ने काफी टाइम पहले ऑफिशियली ये कंफर्म किया था कि वो इंडियन टूलर मार्केट के अंदर कमबैक करने वाले हैं और अभी रिसेंटली ही इनकी स्क्रैम्बलर 350 स्पोर्ट भी हुई है जिसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर और दिसंबर 2021 और एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,80,000। दोस्तों ये बाइक एक रेट्रो स्टाइल टाइप की मशीन होने वाली है जो इंडियन टूलर मार्केट में होंडा सीबी 350 आरएस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ कम्पीट करेगी। दोस्तों इस बाइक की जो पिक्चर्स पोर्ट हुई हैं उनमें इस बाइक के अंदर इंजन क्रैश गार्ड देखने को मिला है जो काफी हद तक यसडी रोड किंग से रिजेंबल करता है। सो ये बाइक एक टिपिकल स्क्रैम्बलर टाइप की मशीन होने वाली है जिसके अंदर हमें रियर टायर हगर देखने को मिलेगा और इस बाइक का टेल सेक्शन काफी नैरो देखने को मिला है। इस बाइक के अंदर हमें काफी स्लिम फ्लैट रिब्ड सीट देखने को मिलेगी और दोस्तों इस बाइक की सबसे खास बात ये है कि इस बाइक के अंदर हमें ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलने वाला है जो इंडियन टूरर मार्केट में 350cc सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं है। और इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर राउंड शेप्ड हेडलाइट होने वाली है जो हेलोजन हेडलाइट भी हो सकती है और एलईडी हेडलाइट भी हो सकती है। रियर में एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेगी और इस बाइक के अंदर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। और दोस्तों बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिले हैं और रियर में एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिले हैं। इस बाइक के अंदर हमें फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल एबीएस। सो दोस्तों ये थी थर्ड नंबर पे यसडी स्क्रैम्बलर 350 जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,80,000 और एक्सपेक्टेड लॉन्च है नवंबर दिसंबर 2021। अब हम बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। दोस्तों फोर्थ नंबर पे है बजाज पल्सर NS250। दोस्तों बजाज की पल्सर 250 टेस्टिंग के दौरान काफी बार स्पोर्ट हो चुकी है और अभी ये कंफर्म हो चुका है कि बजाज एक न्यू 250cc सेगमेंट की बाइक के ऊपर काम कर रही है जो NS200 से काफी मस्कुलर लुकिंग बाइक होने वाली है। दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें न्यू डिजाइन और स्टाइल देखने को मिलेगा और साथ ही इस बाइक के अंदर न्यू 249cc का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 26-27 PS के आसपास। मैक्सिमम टॉर्क होगा 24 न्यूटन मीटर के आसपास। इस बाइक के अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी हो सकती है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन भी हो सकती है। और बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस बाइक के अंदर हमें कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,60,000 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर और नवंबर 2021। दोस्तों ये बाइक NS200 के मुकाबले काफी हैवी लुकिंग मशीन होने वाली है जिसके अंदर हमें न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम देखने को मिलेगी। और बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों इस बाइक के अंदर भी डोमिनार 250 के जैसे एलईडी हेडलाइट, एलईडी DRLs, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लाइट और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। और साथ ही इस बाइक के अंदर हमें बजाज की तरफ से न्यू फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं जो आने वाले टाइम में बजाज की सभी बाइक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इस बाइक के अंदर काफी कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा और 250cc सेगमेंट में ये बाइक एक बजट फ्रेंडली बाइक होने वाली है क्योंकि इसका प्राइस डोमिनार 250 से थोड़ा सा कम रखा जाएगा। सो दोस्तों ये थी फोर्थ नंबर पे बजाज पल्सर 250 जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,60,000 और एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर और नवंबर 2021। अब हम बात करते हैं लास्ट बाइक के बारे में। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है यमहा XSR 250। दोस्तों यमहा की तरफ से XSR 250 को रिसेंटली ही टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है और अभी ये कंफर्म हो चुका है कि इंडियन टूलर मार्केट में हमें XSR 155 की जगह पे XSR 250 देखने को मिलेगी। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,60,000 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर 2021। दोस्तों इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट किया गया है और जिन पिक्चर्स में ये बाइक स्पोर्ट हुई है उनसे कंफर्म हुआ है कि इस बाइक के अंदर यमहा FZ25 वाला सेम इंजन देखने को मिलेगा जो कि 249cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 21 PS के आसपास। मैक्सिमम टॉर्क होगा 20 न्यूटन मीटर के आसपास विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। साथ ही इस बाइक के अंदर हमें असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के मामले में ये बाइक XSR 155 से सिमिलर होने वाली है क्योंकि इस बाइक के डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक XSR 155 के जैसे ही होंगे। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर राउंड शेप्ड एलईडी हेडलाइट देखने को मिलेगी, एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेगी और कॉम्पैक्ट साइज सर्कुलर शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे। सो दोस्तों यमहा की तरफ से ये बाइक एक रेट्रो क्रूजर सेगमेंट की बाइक होने वाली है जिसके अंदर हमें कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों इस बाइक का फ्रंट सेक्शन
फ्यूल टैंक और टेल सेक्शन, साइड प्रोफाइल काफी हद तक XSR155 के जैसा है। सो दोस्तों, यमहा की तरफ से अभी ये ऑफिशियली कंफर्म होना बाकी है कि वो इंडियन टूलर मार्केट में XSR155 की जगह पे XSR250 को लॉन्च करेंगे, जिसका एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 1,60,000 और एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर 2021। सो दोस्तों, ये थी टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स जिनका इंडिया में लॉन्च होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।